तो उद्धव जी महाराज ने जब संदेश दिया तो गोपियाँ गोपियों का मोह भंग हुआ है, उनको आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने उद्धव जी की पाद पूजा करी है। उद्धवम पूजया मास, वो जो सीरियल आप देखते हो ना, और जो हमारे कदाचित कथाकार लोग उठपटांग बातें करते हैं, वो भागवत में नहीं है। उद्धव जी तो अति निर्मल है, भगवान के प्रतिनिधि हैं वो। जहां भगवान नहीं जा पाते वहां उद्धव जी जाते हैं। बद्रीधाम में उद्धव जी को भगवान का उत्सव मूर्ति कहते हैं। तो यहां भी हनुमान जी महाराज ने जब संदेश दिया है तो तब सीता ऐसा करके बोलते हैं, कहो राम, बस यहां से शुरू होता इन्वर्टेड कामा में, तव सीता मोकहुँ सकल भय विपरीता। सीधे संवाद है, डायरेक्ट लैंग्वेज में है। बोलते हैं, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रिया शब्द बोलते हैं, मुंह हनुमान जी का है ध्यान रखना, वाणी मालिक साहब की। हे प्रिया, प्रेम का तत्व मैं और तुम जानते हो, मेरा मन जानता है, तुम्हारा मन जानता है। सो मन रहत सदा तुम पाई, भगवान ने कहा मैं ये जो मन है ना, ये मेरे पास है ही नहीं, मैं बिना मन का हो गया हूं। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही नाही, इतने हुमाही, इतने में ही मेरे प्रेम को समझो। मैं बिना मन का आदमी ऐसा घूमता बेजान घूमता फिरता रहता हूं। हनुमान जी ने जब संदेश सुनाया, विरह सुनाया, यही आज्ञा थी, कही बल विरह देखी तुम आयो। तो बल विरह सुनाया और अब बोलते हैं, बल सुनाते हैं, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानु, जननी हृदय धीर धरु। जानकी माता धीरज रखो, मरे निशाचर जरे निशाचर जानी। ये निशाचर तो अब समझो जल चुके हैं, अगर तो भगवान को पता होता तो इतना विलंब नहीं होता। माता जी मैं क्या बताऊं, मैं तो अभी आपको ले जा सकता हूं, इसमें कोई संदेह मत करना, अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई। लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता यहां पर। थोड़े दिन और धीरज रखिए, सेना लेकर के भगवान आएंगे और सारे निशाचरों का वध करेंगे। जानकी जी ने कहा, वैसे तो समझदार है ये बानर, लेकिन बात बहुत करता है। इसको ये नहीं मालूम कि निशाचर कितने बड़े बड़े हैं। तो जानकी जी बोलती हैं सुत कपि सब तुम्हें ही समाना, क्योंकि लघु रूप लेके गए थे हनुमान जी महाराज, छोटे से रूप लेके गए थे। जानकी जी ने पूछा, सब तेरे जैसे ही है, तो इतनी बड़ी सेना लेके आएंगे बनरे? हनुमान जी ने कहा, हो गलती रह गई। बोलते हैं, मोह कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, निज देह प्रकट किया हनुमान जी ने। बोले माता जी, ये तो यहां के लिए मैंने रूप बनाया था, मेरा असली रूप देखिए आप। और बने महाराज एक शिलाखंड की तरह प्रकट हुए, इतना तेजस्वी स्वर्ण कांति से भरा हुआ शरीर। जानकी जी ने देखा, बड़ा संतोष हुआ, तुरंत छोटे हो गए। माता के सामने बड़े होने का क्या मतलब है, छोटे हो गए। प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद ये भी कहा, सुनु माता शाखा मृग, मैं तो शाखाचर हूं, मेरे में कोई बुद्धि बल नहीं है,
मैं जो बोल रहा था वो राम प्रताप से बोल रहा था, अपने प्रताप से नहीं। माता जी को बड़ा संतोष हुआ, उनके हृदय से आशीर्वाद निकला स्वयं। क्या आशीर्वाद निकलता है, अजर अमर, 16वां दोहे के बाद की पंक्ति है, अजर अमर गुण निधि सुत हो हे पुत्र। पहले जानकी जी ने पुत्र कहा। हनुमान जी महाराज बार बार जननी जननी बोलते हैं, रिश्ता कायम किया उन्होंने, तो फिर माता जी ने उस रिश्ते की पुष्टि की, सुत कहा। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। पहले कहा अजर हो जाओ, हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठे रहे, अमर हो जाओ, बढ़िया चुप बैठे रहे, गुण निधि हो, हनुमान जी महाराज चुप रहे। फिर देखा ये तो तृप्त नहीं होता है, बहुत प्रसन्न होता दिखाई नहीं देता, तब बोलते हैं, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना। जब जानकी जी ने को ये सुनाई दिया कि भगवान कृपा करेंगे, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, यहाँ शरणागति पुष्ट हो गई उनकी। अब कृत कृत्य भयऊँ मैं माता, माता जी यहाँ आके मैं कृत कृत्य हो गया। ये हनुमान जी की शरणागति की परिपुष्टि है। भक्ति देवी ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे ऊपर भगवान का छोह, भगवान की नज़र, भगवान की कृपा बनी रहे। बार बार प्रणाम करते हैं, काम हो गया। बोले माता जी भूख बहुत लगी है, और ख़ास तौर से इतना बढ़िया बगीचा है ये, इतने फल लगे हैं, कोई छूता भी नहीं। बोले छुएगा तो पिटाई होगी उसकी, यहाँ बड़े रखवाले लोग हैं। बोले इनकर भय माता मोइनाई, इनका कोई डरवर नहीं है, आप केवल आज्ञा दो। तो महाराज अशोक वाटिका उजाड़ी है, अक्षय कुमार कुमारा मेघनाद आया है नागपांच में बांध करके, तो रावण के दरबार में ले गया। रावण पूछता है कवन तय कीसा, अरे वानर तू कौन है, केही के बल घाल से खल कीसा, ये तुमने किसके बल से हमारे राक्षसों को मारा। हनुमान जी हंसते हैं, बोले जिसके बल से तुमने त्रिभुवन विजय करी है ना, जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचर झारी। बल का स्रोत तो एक ही है रावण, तुमने तपस्या करी, वहां से थोड़ा एक कण बल तुम्हारे पास आ गया और तुमने चराचर को जीता। मालूम है मैं उसी का दूत हूं, मेरी पहचान क्या। बोले राम दूत मैं उसी श्री राम का दूत हूं। रावण के साथ थोड़ा संवाद होता है, हनुमान जी उसको समझाने का प्रयास करते हैं, अहंकार छोड़ो, वैदेही को समर्पित करो, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, भगवान के विमुख ये जो प्रभुता है संपत्ति है ना, ये सूख जाती है, जाई रही, पाई बिनु पाई, ऐसे ही है जैसे बरसाती नदी उफनती हुई दिखाई देती है लेकिन उसका मूल सजल नहीं है, तो बरस ही गए पुनी जा ही सुखाई। तो इसलिए भगवान के विमुख मत हो। रावण इतना नाराज हुआ, बोले गुरु बना, अब मेरी ये स्थिति आ गई कि बानर मेरा गुरु बनेगा। अभिमानी आदमी बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा, बोले मारो इसको। उस समय विभीषण आते हैं, बोले महाराज दूत को मारा नहीं जाता। इन्होंने अपना परिचय ये दिया, राम दूत मैं।
तो दूत तो वही कहता है जो उसके स्वामी ने कह के भेजा है, वो बद्ध नहीं है, उसको आप दंड दे सकते हो। अगर उसने आपका अपमान किया ऐसा आपको लगता है तो आप उसको दंड दे सकते हो, नीति यही कहती है। यहाँ एक दृष्टांत मिलता है कि विभीषण भरी सभा में रावण से हट के अपनी बात बोलते थे, बोल सकते थे, उनमें ये नैतिक बल था। रावण को लगा कि ठीक कह रहे हैं, बोले कपि कहे ममता पूंछ पर, इसकी सबसे ज्यादा ममता पूंछ पे होती है, उसमें आग लगाओ। हनुमान जी के कान खड़े हुए, बोले हैं, पीछे एक ने कहा था सपने बानर लंका जारी, अब ये आग लगाने की बात कर रहा है, कहीं उसी डायरेक्शन में तो सब नहीं हो रहा है। चुपचाप खड़े रहे। अब जब आग लगाने के लिए कपड़ा लपेटने लगे लोग, पूंछ इतनी बढ़ाई महाराज, लंका में जिसने जो पहना था वही बचा था। दूसरे दिन के लिए कपड़ा नहीं बचा और सारा मन तेल घी पेट्रोल पंप सब खाली हो गया। लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो चौपाई सुनाऊंगा तो देर होगी। रहान बसन नगर घृत तेला, ये लिखा तो इतनी बड़ी पूंछ करी, लोगों ने कहा क्या चमत्कारी बानर है। फिर महाराज उन्होंने अपने को इतना सिकोड़ा कि वो जो फांस थी ना वो ढीली पड़ गई और निबुक गए, अटारी पर चढ़े, फिर भी उन्होंने आग लगाना शुरू नहीं किया, पूंछ में आग धधक रही थी। तब तक आंधी चलनी शुरू हुई, चले वो मरुत उनचास। हनुमान जी ने कहा अब कन्फर्म है, इसका मतलब है मुझे लंका फूंक के ही जाना है। उलटी पलटी कपि लंका जारी, उलट पलट करके लंका को जलाया है, फिर समुद्र में कूदे, पूंछ बुझाई, माता जी के पास गए, बोले माता जी जैसे राम जी ने मुझे मुद्रिका दी थी आप भी कुछ दो जिससे चिन्हारी रहे कि मैं आपसे मिल के आया हूँ, ये नहीं कि सुनी सुनाई कोई सूचना आपको दे रहा हूँ। उन्होंने चूड़ामणि उतार के दी। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, उसको सिर पे लगाया और वापस चले। समुद्र पार किया, अपने दल से मिले और वहाँ से खुशी खुशी ये लोग सुग्रीव के पास आते हैं। जामवंत ने हनुमान जी की कथा सुनाई भगवान को। भगवान ने कहा ओहो, हनुमान जी ने काम किया, अरे वो तो पहले ही आपने नियुक्त कर दिया था तो आप वही काम करेंगे। कहो तात कही भांति जानकी। प्रभु पूछते हैं हनुमान जी, जानकी जी कैसे रहती हैं? बोले महाराज बस बस आप पूछो मत, अब तक तो उनकी मृत्यु हो गई होती, लेकिन नाम का पहरा लगा हुआ है, ध्यान का कपाट बंद है, नाम पाहरु, तीसवां दोहा है, नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र त, आंखें हमेशा अपने पैर की ओर देखती रहती हैं, मुंह में नाम रहता है और ध्यान आपका बना रहता है, प्राण जाने का सारा रास्ता बंद है। मैं बताया कि कैसे रहती, पूर्ण एकाग्रता है, उनकी दृष्टि कभी इधर उधर जाती नहीं, प्रभु ध्यान उनका कभी इधर उधर जाता नहीं। सीता कह अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भलि दीन दयाला। सीता जी की इतनी विपत्ति है प्रभु, न कहूँ तो अच्छा है। भगवान ने थोड़ा सा व्यंग किया, बोले हनुमान विपत्ति की परिभाषा क्या है? हनुमान जी सावधान है, बोले वैसे तो महाराज विपत्ति तब है जब आपका सुमिरन न हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब साधन
जब तब सुमिरन भजन न होई, ये हनुमान जी की परिभाषा है। विपत्ति तो तब है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैंने माता जी को आंख से देखा है, वो अतिशय दुखी हैं और अब बर्दाश्त नहीं होता, बस चल पड़िए, अब मुहूर्त मत देखना आप। ओ महाराज आग्रह पूर्वक कहते हैं, राम जी कहते हैं सुनु सुत, देखो पहले जानकी जी ने पुत्र कहा था, अब राम जी भी बोलते हैं। ये 32वें दोहे के ऊपर के शब्द हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। तो राम जी ने भी पुत्र कहा, जानकी जी ने भी पुत्र कहा, तो हनुमान जी क्या हुए फिर, रघुवंशी हो गए ना, फिर तो दत्तक पुत्र हुए। इसलिए जब हम लोग बोलते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी, और फिर शुरू करते हैं हनुमान जी का यश गाना, तो ये प्रश्न आता है कि रघुवर यश बोलते हैं और फिर हनुमान जी का यश गाते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी रघुवंशी हो चुके थे, जानकी जी ने भी उनको पुत्र कहा, भगवान ने भी पुत्र कहा, तो अब क्या। बोले सुनो हनुमान, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता,